मैं हूं आपका होस्ट फरहान और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो। फाइनली मेरी कुछ तबीयत खराब थी और मुझे लगता है आप भी मुझे जो है ना वो सोच रहे होंगे कि भाई वीडियो नहीं बना रहे, तो देखें स्टूडियो में आना मेरे लिए जो है वो नहीं था कि मेरी तबीयत कुछ गला खराब था जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका और बोल भी नहीं, जितनी देर हमारा काम भी ऐसा है कि हम बोले ना तो अब तक ये आवाज़ ही नहीं जाएगी। और बहुत दुख हुआ जब मैं बैठा हुआ था कि जिस नरपल शर्मा जो इंडिया की भारतीय खतून है उसने नबी पाक सल्लम की शान में गुस्ताखी की और हम कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन देखें इसके खिलाफ पाकिस्तान इंडिया भर में जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं, चाहे हम एक मुसलमान रोज़ा रखें या ना रखें, नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन जब तोहीन रिसालत की बात आती है तो हम मुतहिद हो जाते हैं और इस बात के ऊपर मुतहिद हैं कि हम नबी सल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन दरअसल देखें ये बात पहले फ्रांस में होती थी कि फ्रांस के अंदर ये ऐसी बात चलती रहती थी कि नबी सल्लम की शान में वो गुस्ताखी करते थे, लेकिन इसके खिलाफ रिएक्शन भी आता था। लेकिन अब इसी के साथ साथ इंडिया भी जो है वो इस बात के ऊपर आ गया कि अब वो ऐसा मुल्क है जो नापाक मुल्क है, इनके ये एक ऐसे मजहब से ताल्लुक रखने वाले जो नापाक है और इनकी जुबान भी नापाक है, जो ये ऐसी नापाक जुबान से हमारे नबी सल्लम की शान में गुस्ताखी कह रहे हैं। हम तो इनको अपने पाँव की नोक और जूती के खाक के बराबर भी नहीं समझते जो हमारे नबी सल्लम की शान में गुस्ताखी कह रहे हैं। और फाइनली इसी के साथ हम आज बात करेंगे इसी के ऊपर और हमारे साथ मौजूद हैं सऊदीया से जो आए हैं स्पेशल जद्दा के जो इमाम हैं, हमने उनको बुलाया है और इनके साथ हम मुलाकात करेंगे। नईम उल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना टाइम दिया। फाइनली क्वेश्चन ये है कि देखें पहले ये जो मामला थे ये फ्रांस के अंदर देखा जाता था कि नबी पाक सल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती थी, लेकिन चूंकि अब इंडिया भी इसके ऊपर आ गया है अब, लेकिन कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के अंदर जिस तरह उन्होंने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए उसी के साथ साथ अब वो जो है वो नबी पाक सल्लम की शान में गुस्ताखी के ऊपर भी कर रहे हैं। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد First of all आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके कुछ सवालात के जवाब दे सकूं और मैं आपके साथ साथ हमारे मोहतरम जनाब सुलेमान शाकिर साहब उनका भी मशकूर हूं जिनके रेफरेंस से आपसे मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ। सबसे पहली तो बात यह फरहान भाई ये बात बहुत वाज़े है कि मुसलमान पूरी दुनिया में 1.5 अरब के करीब उनकी तादाद है, लेकिन अगर हम देखें तो शायद अमली मुसलमान उनमें से 10% भी ना हो। बात यह है कि दीन की तकवीत और दीन के मामलात की इज़्ज़त शख्सियात और उनके अमल की वजह से होती है, गिनती से नहीं होती। हमारे सामने जंग हुनैन की मिसाल कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जंग हुनैन एक ऐसी जंग थी जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी थी और मुसलमानों ने ख़ुद इस दिन कहा कि आज तो हम इतनी बड़ी तादाद में हैं कि 14,000 का हमारा लश्कर है और हुनैन वाले चंद हज़ार हैं, वो हमसे निसफ़ से भी कम हैं, हम तो आज उनको चुटकियों में मसख देंगे। और कुरान कहता है कि वयौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नी अन्कुम शैया, कि हुनैन के दिन जिस दिन तुम्हारी तादाद कसीर थी लेकिन तुमने अल्लाह पे तवक्कुल नहीं किया था, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई, तो फिर क्या हुआ, वज़ाक़त अलैकुम अल-अर्ध बिमा रहबत, ज़मीन वसी होने के बावजूद तुम पर तंग हो गई। ये बात जहन में रखें, जब तक मुसलमान 1.5 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में, जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियलाइज़ नहीं करते, आपकी सुन्नत पर नहीं चलते। लेकिन दावे तो ज़ुबानी आपको 12 रबीउल अव्वल पूरी दुनिया में नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, साउथ से वेस्ट तक, पूरी दुनिया में आपको 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों की शक्ल में बहुत बड़े दावे नज़र आ जाएंगे कि अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत है, ये है वो है। इवन इंडिया के अंदर जिनकी बात आपने की, इवन फ्रांस में भी कुछ मजहबी तंजीमें वहाँ पर ये जुलूस वगैरह निकालती हैं, लेकिन क्या फ्रांस के अंदर रहने वाले मुसलमानों ने भी कोई ऐसा स्ट्राइक किया? बिल्कुल भी नहीं। डेनमार्क इससे पहले ये हरकत करता रहा, किसी ने कुछ किया? बिल्कुल भी नहीं। अब इंडिया ने ये कदम उठाया है क्यों? देखें एक बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा है कि लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीन आमनु अल-यहूद वल्लज़ीन अशरकू, जो मुशरिक होगा, बुतपरस्त होगा, अल्लाह के अलावा किसी गैर को अपना रब मानता होगा, और जो यहूदी होगा या मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। हिस्ट्री उठा के देखिए, फ्रांस कौन है? यहूदियों का सबसे बड़ा सपोर्टर। जब हिटलर यहूदियों को मार रहा था तो दरपर्दा तौर पे फ्रांस ही था जो इसराइल बनाने में दुनिया के अंदर सबसे पेश और यहूदियों को दरपर्दा जर्मनी से निकाल के उनको महफूज बनाओ पर मुंतकिल कर रहा था।
उसके बाद इंडिया बुत परस्त हैं पूरी दुनिया जानता है, हालांकि इंडिया के अंदर निसफ के करीब तादाद मुसलमानों की है और इतनी बड़ी मेजॉरिटी किसी भी मज़हब की वहाँ पर नहीं है, ना वहाँ पर जो हैं इनके ब्राह्मण हैं उनकी तादाद इतनी है, ना जो दलित हैं जो लोअर लेवल की हिंदू कम्युनिटी है ना वो इतने हैं, ना सिख इतने हैं। मुसलमान मिन हैसुल कौम इंडिया में सबसे बड़ी मजबूत एक बड़ी तादाद के अंदर मेजॉरिटी के अंदर एक रिलीजन है। मसला सिर्फ क्या है, अब बीजेपी की ही इत्तेहादी जमातों में देख लें कौन शामिल है, मुसलमानों की ये वो एक मदनी साहब हैं वहाँ से उनका ताल्लुक है, बरेली से गालिबन उनका ताल्लुक है, मुशर्रफ के दौर में उन्होंने मुशर्रफ से भी एक इंटरव्यू में बदतमीजी की और मुशर्रफ ने उनका बड़ा सख्त जवाब दिया था उनको। ये हजरात ये रिलीजियस लोग हैं, किसी का किसी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ है, किसी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ है, वो सिर्फ अपनी सीट्स को जो उनका एक पॉलिटिकल अलायंस है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अल्लाह के दीन से या अल्लाह के रसूल के दीन से कोई गरज नहीं है, अल्लाह के रसूल की ज़ात से कोई गरज नहीं है। हालांकि ये वो लोग थे इनको वहाँ पार्लियामेंट में ही आवाज़ उठानी चाहिए थी, इनको मुसलमानों को इकट्ठा करके स्ट्राइक के लिए वहाँ निकलना चाहिए था, जो ये कानून के अंदर रहते हुए ये कर सकते थे इनको करना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हम मिन हैसुल कौम बहसियत मुसलमान हम सिर्फ अल्लाह के रसूल से मोहब्बत के दावे ज़ुबानी हद तक करने वाले लोग हैं, अमली तौर पर ऐसा नहीं है। और अगर अमली तौर पर ऐसा हो तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया उती तो खमसन लम युताहुन अहदुन क़ब्ली, अल्लाह ने मुझे पांच चीज़ें ऐसी दी हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी, और उन पांच में से एक चीज़ ये है कि नुसिरतु बिर्रुअब मिमसीरत शहर, कि मेरा दुश्मन मुझसे एक महीने की मुसाफत पर बैठा होता है, अल्लाह ने उसके दिल में मेरा रोब डाल दिया है। अगरचे ये बात अल्लाह के रसूल के साथ ख़ास थी, लेकिन आइम्मा फरमाते हैं ये अल्लाह ने मोमिनों को भी ये शरफ़ दिया है कि जब मोमिन अल्लाह के दीन पर रहेंगे, अल्लाह के दीन पर चलेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखालिफ जितने होंगे उनके दिलों के अंदर रब्बुल इज़्ज़त एक रोब और दबदबा डाल देता है जिसकी वजह से वो कभी भी ऐसी जरूरत नहीं कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक प्रैक्टिकल मुसलमान होने की ज़रूरत है, जब हम प्रैक्टिकल मुसलमान बनेंगे किसी को जरूरत नहीं होगी कि वो इस्लाम के बारे में कोई बात करे, रसूलुल्लाह के बारे में कोई बात करे, कोई ऐसी जरूरत नहीं कर सकेगा। हम खुद उनको मौका देते हैं, और मैं समझता हूँ उनसे पहले हम मुजरिम हैं कि जिन्होंने इन लोगों को ये इतना मौका दिया, इतनी सहूलत और आज़ादी दी अपने अमल की वजह से कि ये तो नाम के मुसलमान हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी हर चीज़ को आइडियलाइज़ करते हैं, उनका कल्चर, उनका रहना सहना, हर चीज़ हम उनकी आइडियलाइज़ करते हैं। इस्लाम की कौन सी चीज़ हमने आइडियलाइज़ की है? हम खुद मुजरिम हैं। आप किसी बात की तरफ आते हैं, चूँकि देखें पाकिस्तान के अंदर मुसलमान हैं इससे ज़्यादा जो तादाद है वो भारत के अंदर है, लेकिन भारत ने देखें अपने सेंटीमेंट्स अपने शहरियों के सेंटीमेंट का ख्याल भी नहीं रखा, चूँकि हमारे नबी पाक सल्लम तो तमाम मजहबों का जो बता गए हैं उनका, लेकिन भारत जो है वो इस चीज़ का ख्याल भी नहीं रख सका कि हम अपने शहरियों के सेंटीमेंट का ख्याल रखें। इस बारे में आपका क्या मानना है? देखिए बात बड़ी सादा सी है, इस्लाम की तारीख एक तरफ रख लें और दुनिया की सारी उम्मतों की तारीख एक तरफ रख लें, किसी ने भी अपने मिनॉरिटीज़ के साथ इस्लाम की तरह का सलूक नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के अंदर आप उठा के देखें, अल्लाह ने हमें मिनॉरिटीज़ के हुकूक बताए, उनके बारे में अलग से अल्लाह ने मेंशन किया कि ये तुम्हारे मुआहिद हैं, इनके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि तुम उनकी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हो, तुम इनके लिए ये 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 काम करना, कुरान में अंदर अल्लाह ने मेंशन कर दिया। और हम जैसे भी मुसलमान हो अल्टीमेटली हम कुरान को मानते हैं, जो शरीयत ने हमें कहा है, हम मिनॉरिटीज़ को आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, यहाँ कितने लाख के करीब मुसलमान हिंदू मौजूद हैं, आज तक कभी हमारे मीडिया के अंदर आपने खबर सुनी होगी किसी मुसलमान ने हिंदू को पकड़ के मारा है? नेवर। लेकिन अब याद रखें अल्लाह ने कुरान में कह दिया ये गलत हो ही नहीं सकता, जो बुत परस्त है ये कभी भी मुसलमान का खैर खा दोस्त हामी नहीं हो सकता, वो आपको अपने कॉज के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया पोलिटिकल अलायंस बने हैं, उसके अंदर मुसलमान तंजीमें मौजूद हैं, लेकिन उनको उनको इस बात से कोई गरज नहीं कि ये मुसलमान हैं या हिंदू हैं या क्या हैं, उनको इस बात से गरज है ये हमारे अलायंस का हिस्सा है, हम इनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ जिस बात की ज़रूरत है वो क्या है कि आप नोटिस करें, इस्लाम की तारीख के अलावा अमेरिका से ले अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा चैम्पियन अपने आप को पीस का अलमबंदार और ठेकेदार समझता है, मुसलमानों के साथ अमेरिका होता है, मुसलमानों के पर्दे वाली औरत वहाँ पर महफूज नहीं है। यूके के अंदर ये चीज़ें आप देख और सुन चुके हैं, यूरोप के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं, क्या आपने कभी कहीं सुना है पाकिस्तान के अंदर कोई अमरीकी सयाह या औरत हत्ता कि अपने बरहना लिबास में भी यहाँ रोड पे फिर रही हो, किसी ने उसको टच भी किया हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई उसको टच करेगा हमारा कानून हरकत में आता है, उसको करार वाक़ सजा दी जाती है।
लेकिन इंडिया के अंदर याद रखें वो ये जानते हैं कि मुसलमान बेहिस हैं, ये बिल्कुल बुजदिल कौम बन चुकी है, ये अपने दीन के ऊपर सिर्फ नाम की हद तक है, वो इतना दीन के ऊपर नाम की हद तक है कि उनको दुनिया के कुछ फ़ायदे चाहिए तो वो हिंदुओं के साथ अलायंस में बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल की इज्जत उनको अजीज़ नहीं है। नतीजा क्या हुआ आपके सामने, उन्होंने ये जसारत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, कोई नहीं बोला। चंद लोग, एक मैमूना नाम की, रिजवाना नाम की एक औरत हैं, उन्होंने स्ट्राइक किया है, वो एक कह लें कि एक सिंबल बन गई हैं दुनिया में। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस्लाम की एक अमली तस्वीर भी हों और उसके साथ साथ दुनिया के सामने इस्लाम का एक अच्छा फेस पेश करें और उसके साथ साथ दुनिया को बताएं कि ये जुल्म कौन कर रहा है और हम क्या चाहते हैं, ये बदमाशी कौन कर रहा है, हमारे मज़हब के साथ, हमारे रसूल की इज्जत के साथ कौन खेला है, हम क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने वाज़े हों। और इसी ज़मन में एक आखिरी चीज़ मैं बयान कर दूँ, हिंदू ये बात हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानता है कि मुसलमान सिर्फ नाम की हद तक के मुसलमान हैं, लिहाजा हम जो मर्जी कह लें जो मर्जी कह लें, और सबसे बढ़ के वो समझते हैं हम इख्तदार में बैठे हैं, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। नतीजा आपके सामने है कि उन्होंने जो कहना था कर लिया, पूरी दुनिया ने उनका बायकॉट भी किया लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो अपनी बात पर डट के खड़े हैं। आप किसी बात की तरफ आते हैं, जिस तरह कि आपने कहा कि कुछ लोगों ने जो है इसके खिलाफ स्ट्राइक किया, लेकिन अगर देखें पॉलिटिकल अगर कोई भी खराबी होती है पाकिस्तान के अंदर तो पब्लिक बाहर आती है, इसके खिलाफ मुजाहरे होते हैं, इसके खिलाफ क्यों नहीं कोई मुजाहरा हुआ बाहर, चूँकि हमें एक मुसलमान होने की हैसियत से बाहर निकलना चाहिए था, इसके खिलाफ मुजाहरा करना चाहिए था। और अगर हम ये ऊपर वाली सतह तक अगर जो हमारे सदर, हमारे वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, इनको इसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए था कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उनको उन तक ये बात पहुँचाते कि जो आपकी इतनी हिम्मत किस तरह हुई कि आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें। भाई इसके लिए एक गैरत चाहिए, बेगैरत लोगों से आप ऐसी तवक्को नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात यह है जो दुनिया के अंदर एक रूल बना हुआ है, उनके नाज़िम उल उमूर को बुलाया, उसके सामने वज़ारत दाखला में एहतजाज कर दिया गया, वज़ारत खारजा में एहतजाज कर दिया गया, बात ख़त्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बयान आ गया किसी अखबार ने, एक कालम में दो कालम में उनकी खबर छाप दी, एहतजाज हो गया। सदर मुमलिकत ने बयान दे दिया, एहतजाज हो गया। मुजाहरे करके आप क्या करेंगे, वो तो आप अपने मुल्क का नुकसान करेंगे। इस्लाम ने मुजाहरों की इजाज़त नहीं दी। जो पॉइंट है उसके ऊपर आप आएँ, और वो क्या है, इंडिया का समाजी बायकॉट करें, सोशल बायकॉट करें हिंदुओं का, उनकी प्रोडक्ट्स का, उनकी इंडस्ट्रीज़ का, उनकी सोच का, उनके थिंक टैंक्स का, हर चीज़ का बायकॉट करें। मैं इंडिया से ही एक मिसाल आपको देता हूँ, क्योंकि हम जद्दा में होते हैं और मेरी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो जिनसे मेरा रिलेशन है वो इंडियन है। हिंदुस्तान के अंदर एक मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे एक देहात में, मुसलमानों ने कहा हमें अपनी इबादतगाह बनानी चाहिए, मस्जिद बनानी चाहिए, हिंदुओं ने उनका बायकॉट कर दिया कि नहीं जी हम मस्जिद नहीं बनने देंगे। मुसलमानों ने कहा कि देखो हम इनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि हम तादाद में कम हैं, ये लोग इख्तदार में भी हैं, हमारा नुकसान होगा, एक काम करते हैं हम इनका सिर्फ इकोनॉमिक बायकॉट कर दें। मैं इंडिया के अंदर से ही आपको ये मिसाल कोट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक बायकॉट। वो क्या, हम आज के बाद इस गांव के अंदर रहते हुए किसी हिंदू से कुछ नहीं खरीदेंगे। वुड यू बिलीव कि आपको इस बात पर यकीन होगा, और मैं ये खबर जिन लोगों ने ये आंखों देखी कानों सुनी मैं आपके सामने वो बंदे भी पेश कर सकता हूँ जो जद्दा में इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने हमें बताया सिर्फ एक माह के अरसे के अंदर हिंदू उनके पास आया, उन्होंने कहा हम आपकी मस्जिद बनाने में आपके साथ तआवुन करने के लिए तैयार हैं, हमारा इकोनॉमिक बायकॉट ना करो। ये लोग पैसे के पुजारी हैं, आप इनका इकोनॉमिक बायकॉट करें। मैं कहता हूँ अमारात मोदी को बड़ी जफियाँ डाली हैं, मोहम्मद बिन जायद ने, मोहम्मद बिन तमीम ने बड़ी जफियाँ डाली हैं, मोहम्मद बिन सल को बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, ये लोग एलानिया बाइकआउट करें ना इंडिया के चावल का, ये लोग एलानिया बाइकआउट करें इंडिया की प्रोडक्ट का। बिलीव करें 3 महीने का टाइम बमुश्किल गुजरेगा, मोदी चीखे मारता इनके सामने ना आके ना गिरेगा, और जो ये चाहेंगे वो ना करेगा, तो आप मेरा नाम बदल लीजिएगा। लेकिन मसला क्या है, एक आखिरी चीज़, ये सारे काम गैरत और हमीयत वाले लोग करते हैं जिनके यहाँ दीन की गैरत और दीन सबसे पहले हो, लेकिन वो लोग जिनका पूरा घूम फिर के ताल्लुकात और मामलात सिर्फ दुनिया पे आके ठहरते हो, वो ऐसी जुर्रत नहीं कर सकते। और वो लोग जो जिन्होंने ये बकवास और ये खुराफात की हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग पैसे के पुजारी हैं, लिहाजा हम जो चाहें कार्टून बना लें, जो चाहें अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी और बकवास कर दें, हमें कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो हमारी इन कमज़ोरियों को जानते हुए अल्लाह के रसूल की ज़ात के ऊपर हमले कर रहे हैं, और वो अच्छी तरह जानते हैं। सर इस बार देखें सऊदी अरेबिया ने भी किया, ईरान ने भी किया, तुर्की ने भी किया है इनकी जो प्रोडक्ट से बाइकआउट, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई। मेरे भाई क्या प्रोडक्ट बाइकआउट किया मुझे बताएं सर। आप सिर्फ क्या ज़्यादा क्या है, वही बात जो मैंने आपको बताई, उनके नाज़िम उल उमूर के बुला के बाइकआउट कर दिया गया,
उनके नाजुन उमूर के बुला के एहतजाज किया गया। एक काम करें ना, कतर अनाउंस करे, कतर में 4 लाख से ज्यादा इंडियन वर्कर काम करते हैं, कतर उनको कहे हम सब इंडियन वर्कर को निकाल रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर 2 मिलियन इंडियन वर्कर है, सऊदी अरब ऐलान करें हम सब इंडियंस को निकाल रहे हैं। उसके बाद एमिरेट्स में बहुत बड़ी आपकी हिंदुओं की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एमिरेट के अंदर मौजूद है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, ब्राइटेनिया नाम की एक बहुत बड़ी इंडियन कंपनी है, इस तरह आपकी टाटा के नाम से और कितनी बड़ी कंपनीज है जिनके जो दुबई बेस्ड और अमारात बेस्ड उनके ऑफिस हैं। अमारात को कहें इनकी गवर्नमेंट को, इनको बैन करें, उनको यहाँ से निकाल दे कि अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने को, कभी नहीं करेंगे। क्यों? उनको रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है, और पैसा किसी अजीज नहीं है। इन लोगों की नज़र में देखें ये एक गैरतमंद बंदे की बात है। और मैं देखें सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, इस हवाले से इमरान खान का किरदार बहुत पॉजिटिव था कि उसने अल्लाह के रसूल की नामोज के लिए पूरी दुनिया के सामने आवाज़ उठाई, अगरचे उसकी इस आवाज़ को भी लोगों ने, फजल रहमान साहब जैसे लोगों ने गलत रंग में लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की, दिलों की कोई नहीं किसी की जानता, लेकिन जो हमारे सामने था उसने एक आवाज़ उठाई, एक रोल सपोर्ट किया। नतीजा क्या, आज दुनिया में जो बात हो रही है उसकी उसकी कायदाना सलाहियतों का नतीजा है। वरना इससे पहले फ्रांस ने अल्लाह के रसूल के बारे में इतना कुछ किया, सऊदी अरब ने बाइकआउट किया फ्रांस का, एहतजाज किया नहीं, कतर ने किया नहीं, अमारात ने किया नहीं, कुवैत ने किया नहीं, किसी ने भी नहीं किया। लेकिन अब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक वो क्या कहते हैं कि एक दिया जलाया गया था, एक कोशिश की गई थी, जिसका नतीजा आज आपके सामने है कि इनको भी अब होश आ रहा है कि अल्लाह के रसूल के बारे में ये बातें हो रही हैं। अल्लाह के रसूल की इज्जत है तो हमारी इज्जत है, अगर अल्लाह के रसूल की कोई इज्जत नहीं तो हमारी इज्जत नहीं। और मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जब तक ये इंडिया का बोल्ड लेवल पे बाइकॉट नहीं करेंगे, फ्रांस का बोल्ड लेवल पे बाइकॉट नहीं करेंगे, और बोल्ड मीन इकोनॉमिक बाइकॉट, तब तक ये लोग कभी भी ऐसी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आप जितने मर्जी मुजाहरे कर लें, आप अपने मुल्क के सारे मुल्क को जाम कर दें, क्या फ़ायदा होगा इंडिया को? इंडिया को तो फ़ायदा होगा। क्या आप अपना मुल्क जाम करके बैठे हैं, अपनी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, इंडिया को तो फ़ायदा होगा। काम वो करें जो करना है। आप ऐलान कर दें कि जिस बंदे में इस्लामी गैरत है वो इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकॉट कर दें, सुबह पता चल जाएगा कौन अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला है और कौन झूठा दावेदार है। अरे भाई, हमारा ईमान तो इतना है कि हम एक इंडियन प्रोडक्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की बात किस मुँह से करते हैं। तो ज़रूरत सबसे पहले, जहाँ से हमने पूरी बात शुरू की थी, हमें पहले प्रैक्टिकल मुसलमान बनने की, मोमिन बनने की ज़रूरत है। और जब हम सही मानों में मोमिन बन जाएंगे, ये यकीन रखें दुनिया को कभी ये काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। फाइनली सर, देखें वो जो मुसलमान हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उनका ईमान बहुत कमज़ोर है। यहाँ पर आने से पहले मैं एक वीडियो देख कर, ऐसे एक सिख है जो उस नूरपुर शर्मा खतून के ख़िलाफ़ बोल रहा है कि तुम होती कौन हो कि जो आप सलम की शान में गुस्ताखी करें। देखें सिख बोल रहे हैं लेकिन मुसलमानों का इसके खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो हमें भी सोशल मीडिया हर मुसलमान यूज़ करता है, हैशटैग लगाने चाहिए इसके खिलाफ। अगर हम जितनी देर तक सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक को उजागर नहीं करेंगे, उतनी देर तक जो है वो मुसलमान जो है वो इस बात के ऊपर हम किस तरह इनको इकट्ठा करें। देखिए, मैं चूँकि चंद दिन पहले सऊदी अरब से आया हूँ, ट्विटर वगैरह पर बहुत मुहिम चल रही है, इल्ला रसूलुल्लाह या मोदी के नाम से एक ट्रेंड चला है, बहुत बड़ा ट्रेंड चला है अरब के अंदर, मैंने खुद देखा है। लेकिन बात एक ही, सोशल मीडिया ट्रेंड पे बात ख़त्म नहीं होती। जैसे आप जहाँ से आपने बात शुरू की, फ्रांस ने किया, उससे पहले डेनमार्क करता रहा है, नॉर्वे के अंदर ये काम हुआ, या अब इंडिया की ये इन लोगों की जिनकी कोई नस्ल नहीं है, कोई औकात नहीं है, ये दुनिया के गरीब तरीन लोग अल्लाह के रसूल के बारे में बातें कर रहे हैं। मेरे भाई, बात बड़ी वाजे है, फिर वही बात कर दूँ, सोशल मीडिया कम्पेन चलाने से कुछ नहीं होगा। ये आपके मुल्क का मैटर नहीं है कि आप सोशल मीडिया कम्पेन चलाएँगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर हो, दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। आपके मुल्क का मैटर है, दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल की हुरमत का मसला ये वर्ल्ड वाइड है, इंटरनेशनल इशू है, और दुनिया का, हमारे नज़दीक तो दुनिया का सबसे बड़ा इशू है। लेकिन सवाल ये है, सोशल मीडिया कम्पेन से कुछ नहीं होगा, आपको मजहबी जरूरत दिखानी पड़ेगी। और जब जहाँ तो अभी आपने बात की, ईमान कमज़ोर हो चुका है, मेरे भाई कब तक ईमान कमज़ोरी के दावे करते रहेंगे? याद रखें, अल्लाह ने अबाबीले नहीं भेजनी, अल्लाह भेजने पर कादिर है, लेकिन अल्लाह कब भेजता है? जब ज़मीन पे उसका नाम लेने वाला कोई ना हो, तब अल्लाह फिर अपना दिफा, अपने बंदों का, अपनी जगह का, अपनी इज्जत का वो दिफा करना जानता है। और उसने अपने रसूल के बारे में भी कहा है, इन्ना कफ़ीना कल मुस्तहज़ीन, मेरे रसूल जो तेरा मजाक करने वाले हैं हम उनको काफ़ी हो जाएंगे। अल्लाह अपने रसूल की इज्जत का दिफा करेगा, उसने किया है, वो हमेशा करेगा, वो करता है, उसने वादा किया है। लेकिन सवाल ये, 1.5 अरब मुसलमान, अल्लाह इनसे पूछेगा कल क़यामत के दिन कि मेरे रसूल की हुरमत हो रही थी, तुमने क्या किया? इनको ये सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो हमें अल्लाह के सामने जाकर जवाब देना है। अल्लाह के सामने हमसे ये सवाल होगा, हम क्या जवाब देंगे?
तो मेरे भाई जो ज़रूरत है सबसे बड़ी, याद रखें, जब तक पूरी उम्मत मुस्लिमा, देखें मैं इंडिया के अंदर मेन चार पांच चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरा इंडिया चलता है, आईटी इंडस्ट्री जिसकी वो कुछ चीज़ें बनाता है और उसका मुतबादल दुनिया में मौजूद है, उससे अच्छे मुतबादल मौजूद है, बाइकआउट कर दें। उसके बाद उनकी सबसे बड़ा, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फितर है, उनका कंजर खाना, फिल्म इंडस्ट्री, क्या मिलता है हमें उनसे? और आप जानते हैं कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्पॉन्सर और बायर कौन है? हम मुसलमान हैं, पूरी दुनिया में अरब नॉन अरब दोनों हम उसके बायर हैं, हम उसकी इंडस्ट्री के सबसे बड़े बायर हैं और उसको सबसे ज़्यादा पैसा देने वाले हैं, बाइकआउट कर दें। तीसरे नंबर पर इंडिया को चीज़ें देता है आपको, चावल देता है पूरी दुनिया में, गंदम देता है, बाइकआउट कर दें। अल्लाह के रसूल की हुरमत के लिए हम थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन ये बातें कहने की हैं, जब अमल की बात आएगी तो आपको कोई बंदा नज़र नहीं आएगा, वो सारे यही कहते नज़र आएंगे, अच्छा जी कोई गाल नहीं जी, एंजो हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे भाई, जब तक आप प्रैक्टिकल मुसलमान नहीं बनेंगे और आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं होगी, ये काम दुनिया से कभी ख़त्म नहीं हो सकते। और याद रखें, हम कमज़ोर हैं, लेकिन कमज़ोर हमने अपने आप को इतना कमज़ोर कर लिया कि हम उनके लिए दुआएं भी नहीं करते। हम हाथ उठा के कितने, चले ये नामूस का मसला हुआ है, कितने बंदों ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मर मोदी को बर्बाद कर दे, अल्लाह मेरा दिल करता मुझे तो हिम्मत दे मैं मोदी को कत्ल कर दूँ, मिसाल के तौर पर। ठीक, चलो इतनी हिम्मत अल्लाह से अगर मांगने की जरूरत नहीं, ये तो अल्लाह को कह सकता कि अल्लाह तू सब कुछ करने पर कादर है, तू मोदी को मार दे, मोदी को जलील कर दे, इबरत का निशान बना दे, वो औरत को जो है अल्लाह उसको इबरत का निशान बना दे। किसने इतनी दुआएं की? कोई भी नहीं। हमारे पास तो दुआ के लिए वक्त नहीं है कि अल्लाह के रसूल की हुरमत की खातिर हम अल्लाह से दुआ कर लें, हमने अल्लाह के रसूल की हुरमत का क्या दिफा करना है? तो मेरे भाई, इस सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये तीन चीज़ों में, नंबर एक हमें प्रैक्टिकल मुसलमान बनना होगा, नंबर दो जो भी कौम ऐसा करे उसका हम जब तक इकोनॉमिक बाइकॉट नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते, तीसरी और आखिरी चीज़ अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अपनी गैरत ईमानी का सबूत देते हुए अल्लाह के सामने दुआएं करें और इल्तिजाएं करें, अल्लाह हमारे रसूल की नामूस का दिफा फरमा और सबसे बढ़ के जो ऐसा करने वाले हैं उनको इबरत का निशान बना दे। अब सर तकरीबन हमें जो मुसलमानों को अभी इस पॉइंट के ऊपर लेकर भी आना है कि अब जो है हमें तो इसका जो ये आवाज़ है मिंबर से उठनी चाहिए, क्योंकि जितने भी मुसलमान हैं जुम्मा के लिए आते हैं तो हम किसी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, जुम्मा उनका सुनते हैं, तो हमें ये मिंबर से आवाज़ उठानी चाहिए कि हम जो भी नबी पाक सल्लम की शान में गुस्तागी करेगा तो हम बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे भाई देखें, माजी की मिसालें देखें, मिंबर से तो आवाज़ें उठती रही हैं और कहाँ से आवाज़ें उठी हैं? आपके मुल्क में भी जो थोड़े बहुत मुजाहरे हुए हैं वो किसने करवाए हैं? किसी सियासी तंजीम ने आज तक अल्लाह के रसूल की हुरमत में मुजाहरा करवाया? कोई एक सियासी तंजीम का नाम लें, कोई भी नहीं, ना नवाज शरीफ की पार्टी, ना इमरान खान की, ना फलाने की, ना फलाने की, किसी की नहीं। अपने काज के लिए ये लोग मुजाहरे करवाएंगे, आवाम को इकट्ठा करेंगे, किसी सियासी पार्टी ने अल्लाह के रसूल की हुरमत के काज के लिए कभी किसी कॉल नहीं की, मेंबर से तो आवाज़ें उठती रही हैं। हाँ, इस वक्त जो मुझे अफसोस हुआ है उन लोगों का भयानक और स्याह चेहरा और मकरू चेहरा खुल के सामने आ गया है जो पूरे मुल्क को अल्लाह के रसूल के नामोज के नाम पर जाम करते रहे, वो आज कहाँ हैं? ये साद रिजवी वगैरह और LTP कहाँ हैं ये लोग? लेकिन फिर वही बात, हम कल भी इनके सपोर्टर नहीं थे कि ये मुल्क को जाम करें और अपने ही लोगों का नुकसान करें, लेकिन कम से कम इस हुकूमत पर भी प्रेशर डालें ना, जैसे पिछली हुकूमत पर प्रेशर डाला गया था कि फ्रांस के सफीर को निकालें, इस पर प्रेशर डालें ना कि इंडिया के सफीर को निकालें यहाँ से, इंडिया के साथ बाइकॉट ख़त्म करें, लेकिन नहीं, क्योंकि वो लोग भी किसी के मोहरे थे और ये जो हुकूमती तर्ज अमल होता है थोड़ा बहुत एहतजाज कर दिया। ये सारी चीज़ें मेरे भाई ये दुनिया के खेल तमाशे बने हुए हैं और सबसे बड़ा अफसोस का मकाम यह है कि हम अल्लाह के रसूल की हुरमत के नाम पर रोटियां खाने वाले और दुनिया कमाने वाले लोग हैं, लेकिन जिन लोगों ने सही मानों में अल्लाह के रसूल की हुरमत के लिए काम किया वो मिंबर से ही आवाज़ उठी है हमेशा। सियासतदानों ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। हमने अभी कहा, पहला सियासतदान था इमरान खान जिसने आलमी फोरम पर जाकर अल्लाह के रसूल की हुरमत की बात की थी, करना उससे पहले किसी सियासतदान ने या किसी सियासी तंजीम ने अल्लाह के रसूल की हुरमत की बात नहीं की। तो देखिए, मेंबर पहले भी अपना ये किरदार अदा करते रहे थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ इस चीज़ के साथ साथ मेंबरों से सबसे ज़्यादा हमें अपने इस दीन की अहमियत को उजागर करने की ज़रूरत है कि हमें पता चले ये दीन की हमारी नज़र में अहमियत क्या होनी चाहिए, और इसके साथ साथ इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोगों के दिलों में अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मोहब्बत को उजागर करें, क्योंकि यही एक ज़रिया है जिससे हमारी अट्रैक्शन, हमारा जो अल्लाह के रसूल के साथ एक ताल्लुक है, वो सही मानों में मजबूत होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें तो सुन्नत के नाम पे भी दूर कर दिया गया है,
सुन्नत है, कर लो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इस तरह के मसाइल बता के सुन्नत से भी दूर कर दिया गया। ज़रूरत यह है कि हम सुन्नत की अहमियत लोगों को समझाएं और उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की अहमियत लोगों को समझाएं, दीन की अहमियत लोगों को समझाएं, तब या कि ये मामला एक बड़े पैमाने पर बेहतरी की तरफ जाएगा। वगरना जैसे मैंने शुरू में कहा, अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए, जब तक हम सही मायनों में मुसलमान नहीं बनते तब तक ये चीज़ें कभी भी नहीं रुकेंगी। पर हम अपने शो का काम करते हैं और इसी के साथ साथ हमें चाहिए कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इस बात के ऊपर मुतहिद हो और हमें नबी वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी उससे औरत ने की वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये मेरी वीडियो तक जा रही है तो ये जो है वो बात कान खोल कर सुन लें कि हम तमाम मुस्लिम उम्मा जो है उस बात पर मुतहिद हैं कि हम नबी वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फाइनली यहाँ पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए फंटास्टिक शो।